प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत राधेश्याम आखिरकार रिलीज हो गई है। 11 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आने वाली फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली थी। हालांकि तेलुगु दर्शकों को बाहुबली स्टार का रोमांटिक ड्रामा पसंद आ रहा है। फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 30 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की, जबकि हिंदी वर्जन का कलेक्शन 4.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा के लिए ये मुश्किल समय है। खबर है कि हरीश की कंपनी से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी हुई है। हरीश आहूजा की फरीदाबाद स्थित कंपनी शाही एक्सपोर्ट फैक्टर के साथ ये ठगी हुई है। एक लाइसेंस के जरिए इस ठगी को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला सुलझाते हुए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कर्नाटक से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का सबको इंतजार है। अब खबर आ रही है कि ये कपल अक्टूबर 2022 में शादी करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों स्टार्स के परिवार वालों ने मिलकर ये फैसला किया है और इस साल के अंत तक आलिया और रणबीर कपूर की शादी करा दी जाएगी। इससे पहले अप्रैल 2022 में इनकी शादी की खबरें आ रही थी, मगर ये खबरें अब झूठी साबित हो रही हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म रनवे 34 में एक बार फिर ये दोनों साथ नजर आने वाले हैं। दोनों ड्रामा मिस्ट्री फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्टारकास्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के 2 मोशन पोस्टर साझा करते हुए रनवे 34 की रिलीज डेट की घोषणा की है। फिल्म में अजय देवगन पायलट और अमिताभ बच्चन अधिकारी के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान की मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। एक्ट्रेस की मां की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। इस बात की जानकारी जरीन खान ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने अपने फैंस से अपनी मां के लिए दुआ करने की अपील की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरी मां की तबीयत दोबारा खराब हो गई है, इस वक्त वो आईसीयू में है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और साउथ एक्ट्रेस सामंथा रथु प्रभु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ये दोनों मीडिया कर्मियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और सामंथा थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही हैं। इस वायरल होते वीडियो में वरुण धवन और अभिनेत्री सामंथा को निर्देशक राज निदुमोरू के साथ मुंबई के अंधेरी में एक बिल्डिंग से बाहर आते देखा गया। इन दोनों सुपरस्टार्स को देखकर वहां इनके फोटोग्राफर्स ने इन्हें घेर लिया। इसी दौरान वरुण ने फोटोग्राफर से कहा कि डराओ मत, क्यों डरा रहे हो इसको। ये वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।